दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है मंत्र जाप के प्रभाव पर। मंत्र जाप से क्या प्रभाव होता है और कुछ मंत्र जैसे गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र इतने शक्तिशाली हैं, इतने पावरफुल हैं, जिनके ऊपर जितनी भी रिसर्च की जाएगी वो कम है। जब आप इनकी चैंटिंग करते हैं तो इनसे खास तरह की फ्रीक्वेंसी पैदा होती है जिसे अल्फा वेव्स बोलते हैं। अल्फा वेव की फ्रीक्वेंसी 8-12 हर्ट्ज़ की होती है। इतनी शक्तिशाली चीज को वो लोग इतनी कैजुअली कैसे कर देते हैं आपको? नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है मंत्र जाप के प्रभाव पर। मंत्र जाप से क्या प्रभाव होता है, विशेष रूप से जब आप चलते फिरते मन में लगातार कोई मंत्र जपते चले जाते हैं तो उसका क्या प्रभाव होता है। इससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मंत्र का अपना, हर एक मंत्र की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, खास तरह का पर्पज होता है, इंटेंशन होता है। और कुछ मंत्र जैसे गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र इतने शक्तिशाली हैं, इतने पावरफुल हैं, जिनके ऊपर जितनी भी रिसर्च की जाएगी वो कम है। अभी इसकी पूरी डेप्थ को साइंटिस्ट अंदाज़ा लगा ही नहीं पाए हैं, फिर भी उन्होंने नमस्कार ही किया है इन मंत्रों को, इनकी शक्ति को, इनकी ताकत को, विशेष रूप से ओम की चेंटिंग को, गायत्री मंत्र को और महामृत्युंजय मंत्र को। इनकी अपार शक्ति है, अपार शक्ति। इसी तरह से ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये जो मंत्र है, ओम नमः शिवाय, ये ऐसे ऐसे महामंत्र हैं, इतनी शक्तिशाली मंत्र हैं। अब ये करते कैसे हैं, ये काम कैसे करते हैं? इनके अंदर जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है एक पर्टिकुलर वे में इनकी चैंटिंग की जाती है। जब आप इनकी चैंटिंग करते हैं तो इनसे खास तरह की फ्रीक्वेंसी पैदा होती है जिसे अल्फा वेव्स बोलते हैं। अल्फा वेव की फ्रीक्वेंसी 8-12 हर्ट्ज़ की होती है, जिसके द्वारा आप शीघ्र ही अवचेतन मन के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। अवचेतन मन के साथ जैसे ही कनेक्ट होते हैं आपके, उसके बाद आप जो भी विचार करोगे वो सीधा अवचेतन मन में जाएगा। और ये बहुत बड़ी बात होती है, आमतौर पे लोगों को समझ में नहीं आता कि इतनी शक्तिशाली चीज़ को वो लोग इतनी कैजुअली कैसे कर देते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी मंत्र आप जप रहे हैं वो आपके अंदर तक बदलाव लेकर आएगा। मंत्र के अंदर जो जप शब्द का इस्तेमाल होता है, आपको पता है ज शब्द का अर्थ होता है जन्म का रुक जाना, जन्म मरण का रुक जाना, और प शब्द का अर्थ होता है पाप का नष्ट हो जाना। किसी भी मंत्र को बार बार जपने से, आप उसका जब जप कर रहे हैं, जप का अर्थ है कि आप जन्म मरण के साइकिल से ही बाहर आ रहे हैं, और पाप आपके अंदर के जो अवचेतन मन के ऊपर पड़े हुए तरह तरह की जो बॉन्डिंग्स हैं, तरह तरह के जो दुष्कर्म पहले जो दिमाग में किए हुए हैं, जो बुरे कर्म किए हुए हैं, उन सभी बुरे कर्मों का जो हमारे ऊपर इंप्रेशन पड़ा हुआ है वो इंप्रेशन डिलीट होना शुरू हो जाता है। अवचेतन मन की गहराइयों में जाकर जब आपके अंतरतम को बदल के रख देता है, विशेष रूप से जब आप किसी मंत्र को 24/7 वाले मोड में करना शुरू कर देते हैं तो वो तो आपके अंदर इतना क्रांतिकारी बदलाव लाता है जिसका कोई हिसाब नहीं। आपने किसी मंत्र को एक माला या दो माला बोलकर जपा या मन से जपा या जिस भी रूप में आपने उसको जपा, मतलब आप एक तो ये तरीका है कि एक तो आपने उसको बाहरी रूप से जपना वो एक बात है, लेकिन एक उसको मानसिक रूप से लगातार जपा तो उसके अंदर जबरदस्त बदलाव होता है। तीन तरह से जाप किया जाता है, आपने सुना होगा। एक होता है वाचक जाप, मुंह से बोलना। दूसरा होता है उपांशु जाप, मुंह में बुदबुदाना ऐसे। और एक होता है मानसिक जाप, मन से जपना। अब जाहिर सी बात है वाचक जाप आप थोड़ी देर के लिए कर सकते हैं, पूरा दिन तो नहीं कर सकते। उपांशु जाप आप लंबे समय तक कर सकते हैं और मानसिक जाप आप सदा सर्वदा कर सकते हैं। इसलिए मानसिक जाप, और इसके मानसिक जाप जब पक जाता है तब शुरू होता है अजपा जाप। मेरे गुरुदेव ने मुझे बचपन से अजपा जाप सिखाया है। मैं 9 साल की एज में मुझे नामदान मिल गया था और गुरुदेव ने वो जो गुप्त मंत्र जप दिया उसको जपते जपते आज जो कुछ भी मैंने पाया है ये सब अजपा जाप का प्रभाव है। तो ये जो जितनी भी शक्तियां अंदर से पैदा हुई, जितनी भी ताकतें पैदा हुई, ये सब उसी अजपा जाप का प्रभाव है। कैसे काम करता है ये अजपा जाप, आपके अंतरतम को बदल के रख देता है। आप शुरुआत करें उपांशु जाप से। कोई भी मंत्र पहले बोल कर जपा जाता है, कुछ समय तक बोल के जपने के बाद, अब गुरु मंत्र की बात मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि गुरु मंत्र को बोला नहीं जाता, आमतौर पर गुप्त मंत्र ही होता है। तो आप जब भी किसी मंत्र को इस तरह से जपते हैं तो पहले वो आपके मन की बाहरी लेयर्स को बदलाव में लेकर आता है, आपके शरीर के अंदर चेंजेस लाना शुरू करता है, आपकी बाहर की परतें बदलती हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे आप उसको अपने मन के अंदर अब्जॉर्ब करते जाते हैं तो आपकी अंदरूनी परतों को लाकर बदल देता है। और जब आप उसको अपने डे टू डे रूटीन का पार्ट बना लेते हैं, मतलब आप चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, जब कहीं जहां कहीं भी उसे जप रहे हैं तो ये जबरदस्त चमत्कार घटित होता है। इसलिए जो भी मंत्र आप पक्का करें, हर मंत्र को आप चलते फिरते नहीं जप सकते। कुछ खास मंत्र हैं जो छोटे मंत्र हैं, पंचाक्षरी मंत्र है या 6 अक्षरी मंत्र हैं या 4 अक्षरी जो मंत्र हैं, तो 4, 5, 6 जो छोटे मंत्र हैं इनको आप मानसिक जाप चलते फिरते कर सकते हैं, या इनसे मानसिक जाप ही पकते पकते अजपा बन सकता है, तो आप अजपा जाप भी कर सकते हैं। अजपा जाप में श्वास को इनहेल करते हुए मंत्र का आधा हिस्सा और एक्सहेल करते हुए मंत्र का बाकी का आधा हिस्सा ऐसे जपा जाता है। इससे होता क्या है, इससे होता है जबरदस्त चेंज जो आपके अंदर घटित होता है। नंबर 1, आपकी मानसिक एकाग्रता बढ़ने लगती है, आपकी कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ने लगती है। तो मन को मंत्र का अर्थ ही है मननात त्रायते इति मंत्रः। मन से जो पार ले जाए, मन को एक तंत्र में बांध कर रख दे, वो है मंत्र। मन जब बंध जाता है तो उस बंधे हुए मन से आप जिधर भी तीर चलाएंगे, मतलब अपनी एकाग्रता को जिधर भी लेकर जाएंगे वहीं आपको चेंज आना शुरू हो जाएगा। तो एक तो एकाग्रता बढ़ती है, इस एकाग्रता का
फाइनली प्रयोग होना चाहिए, मतलब एकाग्रता को किसी दिशा में लेकर जाना चाहिए। और वो दिशा क्या है, वो आप अपने गुरु का ध्यान साथ में जोड़ सकते हैं, वो आप कोई भाव जोड़ सकते हैं कि इस मंत्र से मेरे अंदर ये बदलाव आए, या मेरे अंदर ये अफर्मेशन पक्का हो जाए, या मुझे ये वाली वस्तु की अमुक वस्तु की प्राप्ति हो जाए। आप किसी भी चीज के साथ मंत्र को जोड़ सकते हैं। अब याद रखना, आप मंत्र जप रहे हैं तो उसका एक बड़ी से टारगेट लेकर जपना, मतलब छोटी मोटी बात के लिए फिर क्या जपना। अब डिपेंड करता है, आप जो भी चीज करना चाहें उसके द्वारा आप वो प्रयोग कर सकते हैं। तो मंत्र जपने से पहले अपना इंटेंशन जरूर डालना, इरादा उसमें पक्का करना कि मैं क्यों जप रहा हूं, इस मंत्र से मैं क्या चाहता हूं कि क्या हो जाए। आप कोई बड़ा प्रयोग भी कर सकते हैं, आपकी कोई बड़ी विश पेंडिंग है तो आप विश कर सकते हैं उसके द्वारा, और वो विश पूरी होने लगती है जैसे जैसे मंत्र आपके भीतर उतरता है। विशेष रूप से अगर गुरु मंत्र गुरु की दी हुई ताकत साथ में है तो उस मंत्र के प्रभाव से वैसे ही सहज ही आपकी इच्छाएं पूरी होने लगती हैं, आपकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगती है। तो पहले मैंने आपको कहा कि एकाग्रता कॉन्सेंट्रेशन का बढ़ना तो एक पार्ट है जो आपके अंदर सहज ही होने लगता है। आपको आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाते हो, आप जैसे ही आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाते हो तो डेफिनेटली आप हमेशा यूनिवर्स आपकी बात को लगातार सुन रहा है, और जब आपकी बात लगातार सुनी जा रही है फिर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप कनेक्टेड हैं, हर समय कनेक्टेड हैं। फिर आप कुछ मन से इच्छा पैदा करते हैं तो सहज ही वो इच्छाएं पूरी होने लगती हैं। इसी तरह से आपके मन में लगातार पॉजिटिव फीलिंग्स बढ़ती चली जाती हैं, नेगेटिव फील जो इमोशंस हैं वो घटने लगते हैं। हो सकता है शुरू के कुछ दिन मंत्र जाप अपना आपको लगे कि अंदर की नेगेटिव फीलिंग्स को बाहर लेकर आ रहा है, ये भी एक आपके जाप का ही प्रभाव है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। शुरू में हो सकता है मंत्र जाप से आपके अंदर नेगेटिव फीलिंग्स आए, कुछ निकला जो दबा हुआ था वो बाहर निकलेगा, बहुत अच्छा है, मंत्र अपना काम कर रहा है, बड़ा गहराई से काम कर रहा है। उसके बाद जब आपको एक बार ये होने शुरू हो जाए तो फिर और आगे बढ़े। मंत्र आपके अंदर अनेक तरह की सिद्धियां ले आता है, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, तीनों ही अवस्थाओं में आप भीतर से जागृत रह सकते हैं। ऐसा लगने लगता है कि आप आपके अंदर एक ऐसा ऐसी ताकत आ रही है जहां आपका अवचेतन मन खुला है और आपको दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हो चुकी है, मतलब आपको चीजें अनुभव में आने लग जाती हैं, फ्यूचर की होने वाली घटनाओं का सहज पता लगना शुरू हो जाता है। और ये छोटी सी बात नहीं है, आपको टेलीपैथिकली और परामनोविज्ञान में आप पारंगत होने लगते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा चेंज अपने भीतर आने लगता है। तो मंत्र के अंदर अपार शक्ति है, देवी देवताओं से आप कनेक्टेड फील करते हो, जिसके द्वारा भी जिनका भी आप जाप करना चाहते हो उनको आप कनेक्टेड फील करते हो, आप जिनका भी ध्यान करते हो ऐसा लगता है वो देवी देवता फ्रिक्वेंसी से आप कनेक्ट हो चुके हो। तो ये बहुत ही पावरफुल हैं, बहुत ही शक्तिशाली हैं ये मंत्र। आप किसी भी मंत्र को लेकर उसको मानसिक जाप में जरूर करें, मानसिक जाप के द्वारा आप किसी भी तरह के देवी देवताओं से आप कनेक्टेड रह सकते हैं। जब आप एक बार ये प्रयोग आपके अंदर पक्का होने लगता है तो आपका सूक्ष्म शरीर एक्टिवेट होने लगता है। नंबर 4, सूक्ष्म शरीर पर जाता है। सूक्ष्म शरीर एक्टिवेट होने का मतलब ये है कि अब आपके अंदर अंदर तक कंपन पहुंच चुकी है, अब आप इसके द्वारा किसी मंत्र के द्वारा अब आप एस्ट्रल ट्रेवल करना चाहें तो सूक्ष्म शरीर एक्टिवेट हो चुका है। तो ये इतनी बड़ी बात है कि मंत्र के द्वारा आपकी हमेशा रक्षा होती है, जिनकी आप चैंटिंग करते हो वो हर समय हर पल आपकी रक्षा करते हैं, आपके गुरु हैं या आपके इष्ट हैं। इससे जीवन में बहुत ज़्यादा सकारात्मक चेंजेस आते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मंत्र जाप की शक्ति को आप समझ चुके होंगे, और श्वास में अजपा जाप या मानसिक जाप की आदत डालिए। जो भी मंत्र पकड़िए उसको इतना गहराई से जपिए कि वो आपके अंतरतम को बदल के रख दे। ऐसा आप 24/7 वाले मोड में लाने की कोशिश करें, मंत्र जाप आपके अंतरतम को जरूर बदलेगा। मैं उम्मीद करता हूं मंत्र जाप की शक्ति से आप पहले भी परिचित रहे होंगे लेकिन अब और अच्छे से परिचित हो गए होंगे। इस वीडियो ने आपके जीवन में जरूर एक नई इंसाइट दी होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।